निहाज किचन ब्लॉग की नई टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे कुकिंग टिप्स, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगी झटपट से बनने वाली रेसिपीज। घर में सामान नहीं है, आप तब भी बना सकते हैं। इसमें से कुछ रेसिपीज ऐसी भी है। तो चलिए, सबसे पहली रेसिपी जिसमें हम ले रहे हैं थोड़ा सा दही। दही खट्टा हो गया है, तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसमें बस डालिए 1/4 चम्मच बेसन। बेसन के साथ थोड़े से मसाले जैसे कि मिर्च, धनिया, हल्दी। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, ये आप हर सब्जी में डालते हैं, मिर्च, धनिया, हल्दी। और इसको हमने मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे पानी। एक बात का ध्यान रखें, जो बेसन है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ चुटकी भर या फिर 1/4 चम्मच ही डाला है, अदरवाइज ये रेसिपी बन जाएगी आपकी। जैसे कि रेसिपी बोलते हैं ना कि ये तो पूरी कढ़ी बन गई है, वैसी वाली। अब घर में पापड़ तो पड़े ही होते हैं, पापड़ लेंगे हम और इसके पीसेस कर लेंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गर्म करें, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा, और अभी जो हमने दही का घोल तैयार किया था वो डालेंगे और उसे इस तरह से हम चलाएंगे। और ये हमें अभी लगातार तब तक चलाना है जब तक इसमें एक हदक ना आ जाए। इसमें फुल फ्लेम पर हम चलाएंगे तो बहुत जल्द ही खदक आ जाएगी, आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, खदक आना स्टार्ट भी हो गई है। तो अभी जो मैंने पापड़ के टुकड़े करके रखे थे, वो पापड़ के टुकड़े हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये वाली रेसिपी जब आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तब भी आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें हमने पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी क्योंकि पापड़ पानी लेते हैं, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है नमक। नमक इसमें आप बाद में ही डालें तो अच्छा है, जिससे ये दही की रेसिपी है फटे ना। और हल्का सा गर्म मसाला, और ये रेसिपी हमारी एकदम हो गई है रेडी, और ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। कई लोगों की शिकायत होती है कि वो जब भी पुलाव या फिर कुकर में चावल बनाते हैं, उनके चावल खिले खिले नहीं बनते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी, आप किसी भी गिलास या कटोरी की हेल्प से चावल लें। जैसे मैंने इतने चावल लिए, यानी 1/4 गिलास चावल लिए मैंने, आधा नहीं है ये, आधे से ज़्यादा है, 1/4 गिलास चावल है। इसको पहले अच्छे से धो लिया है, उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 गिलास पानी। यानी डबल पानी नहीं डाला है मैंने इसमें, डबल होता है आधे का 1 गिलास। देखिए, मैंने चावल लिए थे आधे से 1/4, यानी आपको पानी की क्वांटिटी डबल से हमेशा थोड़ी सी कम रखनी। चावल लगभग 15 मिनट के लिए भीग जाए, उसके बाद ही आप एक कुकर लें, उसमें थोड़ा सा घी डालें। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच ही घी डाल दें। उसके बाद खाली जीरे में छौंकने हैं आपको, जीरे में छौंक लीजिए। बिना जीरे के करने, बिना जीरे के कर लीजिए, या फिर आप सभी मसाले डालना चाहते हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, जीरा, तो सभी को डालें और हल्का सा इसको चटका लें। उसके बाद जो हमने पानी के साथ चावलों को भिगो दिया था, उतने ही पानी के साथ आपको चावलों को इसमें ऐड करना है, और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। कुकर का सॉरी हम ढक्कन लगा देंगे, और फुल फ्लेम पर इसमें हम सिर्फ 1 सीटी आने देंगे। जैसे 1 सीटी आ जाए, कुकर को कर देंगे हम ऑफ, 10 की काउंटिंग तक रुकें, और सीटी को आप किसी भी स्पून की हेल्प से पूरा का पूरा रिमूव कर दीजिए। जैसे रिमूव हो जाए, उसके 1 मिनट के बाद आप कुकर खोल लीजिए, और ये देखिए आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। एक भी चावल किसी से चिपकेगा नहीं, और सिर्फ मुश्किल से इस पूरे प्रोसेस में 5 मिनट का टाइम लगेगा। यदि आप चावल भिगो कर छोड़ना नहीं चाहते हैं, 15 मिनट नहीं छोड़ना चाहते, तब भी आप डायरेक्ट इसी तरह से बना लीजिए, आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत सारे लोग जब भी स्प्राउट बनाते हैं तो उनके स्प्राउट खिले खिले और अच्छे नहीं बन पाते हैं, या फिर
प्रॉपर स्प्राउट नहीं निकलते हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे, आप किसी भी साबित चीज़ के स्प्राउट बनाएं सेम इसी प्रोसेस से बनाइए। जैसे कि मैंने ये साबित मूंग ली है, पहले मैं इसको अच्छे से धो लूँगी 2 या 3 बार पानी में। तो चलिए मैं धोकर लाती हूँ इसको। यदि आपको चने के बनाने हैं, मूंगफली के बनाने हैं, सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। इसमें जितना मूंग लिया हो उससे लगभग डबल पानी डाल दें और इसको ढक कर रखें लगभग 5 से 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। यदि आप ओवरनाइट छोड़ रहे हैं तब भी बहुत ही सही है, आप रात को भिगो दें। इसके बाद ये इस तरह से फूल जाएंगे, तो आप एक छेद वाली छलनी लें या फिर जो चावल पसाने की छलनी होती है इस तरह की आप छलनी ले सकते हैं। इसको एक कटोरे के ऊपर रखें, ध्यान रखें कि इसकी जालियां इस तरह से खुली हुई रहनी चाहिए जिसमें से धूप और हवा पास होती रहे। एक प्लेट से ढककर छोड़ दें इसे पूरे 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद आप देखेंगे कि स्प्राउट एकदम खिले खिले और बहुत ही अच्छे निकले हैं। यदि आपको लग रहा है कि कम है तो आप इसको हिलाएं और फिर से ढक के रख दें। इन स्प्राउट्स को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं लगभग 10 दिनों के लिए। अक्सर होता है कि आपको कई सारी सब्जियां तैयार करनी होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक इस तरह का सब्जियों का पेस्ट तैयार करके अपने फ्रीजर में रख सकते हैं। जब भी आपको कोई भी सब्जी बनानी है आप झटपट से बनाकर रख लेंगे। यदि आपके यहाँ प्याज खाई जाती है तो आप प्याज लीजिए, अदरवाइज इसमें अवॉइड कर दीजिए। इसमें आप थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा अदरक, इसी के साथ कुछ टमाटर, ये जो हमारी ग्रेवी है ये एक मल्टीपर्पज़ ग्रेवी है, इसको आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको प्याज ऐड करनी है तो आप प्याज इसी में साथ में ऐड कर लीजिए। इसका एक बारीक सा पेस्ट रेडी कर लिया है। आप चाहें तो फ्रीज़र में इस पेस्ट को डायरेक्ट किसी भी बॉक्स में रख कर भी स्टोर कर सकते हैं, बट इससे अच्छा है कि आप पहले एक कढ़ाई लें, उसमें घी डालकर इस छौंक को पहले अच्छे से भूनें। उसी के साथ इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जो बेसिक मसाले हैं जैसे कि जीरा, धनिया, मिर्च और हल्दी, जो मोस्टली सभी सब्जियों में जाते हैं। यदि आप इस तरह से भूनकर इसको रखेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं। मान लीजिए आप पूरे हफ्ते का भी पेस्ट, ग्रेवी पेस्ट बनाकर रख सकते हैं। जब भी कोई सब्जी बनानी आप इसमें डालिए और आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि बच्चों का झटपट से कुछ अच्छा खाने का मन है तो आप बॉयल्ड आलू को लें, उसको इस तरह से मैश कर लें। उसमें हम थोड़ा सा बेसन मिक्स करेंगे। इसमें बेसन की क्वांटिटी हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। मान लीजिए आपने 2 कटोरी आलू लिए हैं तो उसमें हम 1/2 कटोरी बेसन मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो सेब बनाने की मशीन में या फिर किसी भी बड़े छेद की चम्मच या छलनी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, या कद्दूकस है आपके पास तो आप कद्दूकस को उल्टा कर लें और उसकी हेल्प से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसकी तो बन गई। देखिए, बड़े छेद की छलनी है या फिर इस तरह का है आपके पास, या फिर कद्दूकस को आप उल्टा कर लीजिए, सेम वो भी यही काम करेगा। तेल को थोड़ा गर्म होने दें, पेस्ट रखें, हाथ से हल्का सा मैश करें। यदि आप कद्दूकस पर बना रहे हैं तो उल्टा कद्दूकस करके आपको सेम इसी तरह से
तैयार करना है। और आपके लेज जैसे आलू के बढ़िया से सेब घर पर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें ऊपर से हल्का सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं।